अभी 2 सेकंड अगर तुम बैठ गए ना तो मेरे भैया यहीं पे हैं, वो पुलिस में है, मैं उनको कॉल करके जस्ट यहाँ पे बुला लूंगी अगर तुमने और डिस्टर्ब किया तो। आ रहा आ रहा। एक्सक्यूज मी मैम, बैठ सकता हूँ क्या यहाँ पे? क्यों, क्या हो गया? कुछ बातें करना आपसे। क्या बात करना, खड़े होकर बोल लीजिए। थोड़ा बैठ जाता हूँ ना, कंफर्टेबल टाइप से लगेगा थोड़ा। तो क्या जरूरी, क्या कंफर्टेबल, आप खड़े होकर बोलो, मैं सुन लूंगी। मतलब आपसे कुछ बातें करनी है, थोड़ा बैठ जाऊं क्या? आप खड़े होकर बोलो ना, आप तो खड़े होकर ही बोल सकते हो। मतलब ना मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए था। हाँ बोलिए। हेल्प मतलब ऐसे आंखों पे आंख डाल के मत देखे ना, थोड़ा डर लग रहा है मेरे को। क्या है मतलब, कुछ भी आप बोल दे रहे हो। कुछ नहीं, आपका नाम क्या है? क्यों, थोड़ा बैठ जाऊं क्या यार, पैर में दर्द होने लग रहा है। कोई नहीं, आप तो खड़े होकर भी बात कर सकते हो, पैर में थोड़ा सा। मतलब बैठना तो ये है क्या? नहीं है, बट आप खड़े होकर ही बोलो, आपको जो बोलना है। ऐसे बहुत जगह है पार्क में। थोड़ा मास्क हटा सकते हो क्या? नहीं नहीं, मास्क क्यों हटाऊं? पता नहीं चल रहा ना क्या बोल रहे आप सब। अच्छा, मास्क हटा लो ना थोड़ा। नहीं अच्छा, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। नहीं आप उधर बैठ सकते हो ना, उधर भी पार्क में बहुत से जगह है आप बैठ। नहीं नहीं, मतलब मैं वैसा कुछ तो बोल नहीं रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम है। नहीं कुछ तो बोल नहीं रहा हूँ, बट पार्क में कितने जगह ना, कितने जगह पर बैठ सकते हो? नहीं बैठ तो सकता हूँ मैं, सिंगल भी बैठ सकता हूँ कहीं पे भी, पर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बैठो तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकता हूँ मैं। क्यों है, अकेले बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है? आप काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपसे आके बात कर लो थोड़ा। अच्छा अच्छा, कब? यार मैं आपको काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, आप काफ़ी अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने सोचा आपसे आके बात कर लूँ। ज़्यादा ही इरिटेट कर रहे हो, अगर तुम अगर अब भी 2 सेकंड अगर तुम बैठ गए ना तो मेरे भैया यहीं पे हैं, वो पुलिस में है, मैं उनको कॉल करके जस्ट यहाँ पे बुला लूँगी अगर तुमने और डिस्टर्ब किया तो। अच्छा मतलब ऐसे बात करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं आपसे बात कैसे कर लूँ? एक्चुअली मेरा नाम प्रदीप यादव, आपका क्या नाम? ऐसे कैसे हैंडशेक कर आपको मेरे नाम, मतलब मेरा नाम जानना है ना आपको, मेरे बारे में आपको जानकारी चाहिए? मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानना है। अभी तो आपने बोला कि मैं आपको जानती हूँ। अगर आप करोगे ना तो मैं अपने भैया को कॉल करके बुला लूंगी बस। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपके भैया कॉन्स्टेबल हैं तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कुछ? ऐसा कर सकते हो, बट तुम ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तो नाम ही बता रहा हूँ ना अपना, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अच्छा रुको, मैं अपने भैया को कॉल करती हूँ। भैया को क्यों कॉल करना है? उनको बुला रही हूँ ना मैं। बुला के क्या होगा फिर? मैं बुला रही हूँ। नहीं नहीं, बुला के क्या होगा फिर? हेलो, फोन रखो। हेलो हेलो भैया, मैं पे हूँ पार्क में। हाँ यहाँ बैठी हुई हूँ, अंदर पे एक लड़का है वो बहुत परेशान कर रहा है। फोन रखो ना यार। हाँ अब आओ जल्दी से, आओ, मैं अंदर पे हूँ बैठी हूँ। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं मेरे। ऐसे थोड़ी होता है भैया, अब ऐसे अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे कैसे नहीं होता, भैया आ रहे हैं तो तुम जा। मतलब क्या मैंने आपको कुछ करा है क्या? मैंने आपको छेड़ा या फिर ऐसा कुछ किया जो आपने भैया को कॉल कर दिया? अनकंफर्टेबल थी तो मैंने भैया को कॉल कर दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि भैया को ही कॉल करो, यहाँ पे पब्लिक कितना सारा है, किसी को भी बोल सकते हो। मैं किसी को नहीं जानती। मैंने आपको छेड़ा क्या? मैंने आपके पास आया तो मैंने आपको हाथ लगाया? नहीं। तो फिर? तो मैंने अपने भैया के साथ कंफर्टेबल थी तो मैं अपने भैया को कॉल कर दी। ऐसे थोड़ी ना होता, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, आपके भैया आएंगे तो आप समझ लेना क्या प्रॉब्लम होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं आपसे आके बात कर रहा हूँ, आप अपने भैया को कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देना ना, मेरे भैया आ रहे हैं, आप बैठ जाओ, 2 मिनट आपको बैठना ही है। नहीं नहीं मतलब नहीं, बैठना नहीं है, बैठना ही नहीं है। नहीं बैठ जाओ ना, पैर में दर्द हो रहे होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भैया को कॉल करके करना क्या चाहता हूँ, मतलब आपकी जेल में मिलवाना चाहती हूँ हमारी अच्छी। अच्छा मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको कुछ ऐसा होगा ना जो कि मैंने आपको आके छेड़ा, ऐसा कुछ जो आप अपने भैया को बोलेगा और मुझे जेल पे डलवाओगे? मैं हमारी फ्रेंडशिप के लिए भैया को तो बुलानी होगी ना, तो फ्रेंडशिप के लिए ना बुलानी होगी। आप ऐसे थोड़ी है कि आके बुला के पिटवा दो। मैं अपने भैया को बुला रही हूँ, आप उनसे मिल लो फिर हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। नहीं करनी है मुझे। अच्छा क्यों नहीं करनी है? अभी तो बोल रहे थे कि फ्रेंडशिप करनी है। बट अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ आपसे। तुम जा सकते हो, तो भैया को कॉल करना जरूरी है। अनकंफर्टेबल हो तो तुम कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे बैठना नहीं है मेरे को। हमारी तो फ्रेंडशिप होने वाली है। नहीं नहीं, पर मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी है ना। क्यों क्यों, बैठ जाओ ना, भैया आ रहे हैं, हम अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरा नाम प्रदीप यादव है, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें प्रैंक वीडियो शूट करते हैं, तभी आपके साथ प्रैंक ही कर रहे थे, उधर कैमरा लगा हुआ है मेरा। तो ठीक है, आपका चैनल का नाम क्या है? प्रदीप यादव प्रैंक। तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। क्या करना, मतलब मैंने आपको कुछ करा है जो आप ऐसे करोगे? मैं आपका देखूंगी वीडियोस और कुछ तो भैया को बताऊंगी ना, आपको तो बाद में पता चल ही जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता, अगर आप बोलोगे तो वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे ऐसे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भैया को तो बता दूंगी, मैं भैया को दिखा दूंगी आपकी। मैंने आपके साथ करा क्या जो आप ऐसे मेरे खिलाफ कुछ ऐसे करोगे? वो तो पता चलेगा ना बाद में ही। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ऐसा कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बैठ जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, अब बैठना ही नहीं है ना, अब बैठना नहीं है मेरे को।
आप यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। आप देख रहे हो ना आप लोग के लिए कितना प्रॉब्लम हो गया, सो जेल जाना पड़ गया हमको। ये आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं यार, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। जब वीडियो इसलिए नहीं आ रहा होगा अभी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पार्क में शूटिंग कर रहे थे, लड़की फ़ोन कर दी थी पुलिस स्टेशन में और लोग आया पकड़ के सीधे अंदर कर दिया है। तो मतलब निकलेंगे तो ये वाला वीडियो आप लोग को देंगे, थोड़ा मतलब ये वाला वीडियो निकलेंगे जब हम यहाँ से, उसके बाद एडिट करके आप लोग के पास मतलब आप लोग को दिखाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ये वाला वीडियो, ऐसा कुछ होगा तो। अभी तो ये चुपके से वीडियो ये आया है, कैमरामैन जो था वो मिलने आया मेरे से, तो अपना फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किए हैं अभी, बाकी अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आ जाएगा वो लोग तो मारने उड़ने लग जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इतना ही बोलेंगे और कुछ बोल नहीं सकते, बाकी आप लोग को सपोर्ट करना है कि देख रहे आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, जेल तक जाना पड़ गया है मुझे, बहुत मारा भी है इन लोगों ने। आ रहा है।